आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई भर्ती के लिए जो आती है विद्युत विभाग में, जिसमें कुल मिलाकर 608 पद हैं और इसके लिए जो आपकी उम्र सीमा रखी गई है ये होगा 18 से लेकर 40 वर्ष। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। इसके लिए डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। वहां आपको ऐप में लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब ओपन करना होता है। वहां क्लिक करने के बाद सीधे आप इस पेज पे होंगे। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये भर्ती यूपीपीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए भर्ती है। अगर हम बात करें डेट्स की तो इसका आवेदन 1 जुलाई 2020 से शुरू हो चुका है। इसका जो अंतिम डेट है ये 22 जुलाई 2020 तक होगा, यानी कि इसमें जो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे ये 22 जुलाई तक कर सकते हैं, और अगर आपका पेमेंट मोड ऑफलाइन है तो आपको 2 दिन और यानी कि 24 जुलाई तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। इसमें जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा और ये हो सकता है अगस्त के दूसरे सप्ताह में। अगर अगस्त के दूसरे सप्ताह में होता है तो अगस्त के पहले सप्ताह में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट का कोई भी कैटेगरी होगी तो आपको 1000 रुपये देना होगा। एसी एसटी केवल 700 रुपये देकर इसका आवेदन कर सकते हैं। बात करें अगर उम्र सीमा की तो ये काउंट किया जाएगा 1/1/2020 के दिन, यानी कि 1 जनवरी को आपकी उम्र कितनी है ये काउंट किया जाएगा। उस दिन आपकी उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल हो सकती है। हालांकि इसके अलावा भी अगर आप एसी एसटी और ओबीसी से हैं तो आपको उम्र में कुछ छूट मिलेगी। यहाँ पे कुल मिला के 608 पद हैं। यहाँ पे जो पद का नाम है ये है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो कुल मिला के 600 पद है, जिसमें से जनरल को इतना पद मतलब 245, ओबीसी को 164, इस तरह के पद हर कैटेगरी में बटा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट के पास 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास के साथ आपके पास ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिशियन में। ज्यादा जानकारी के लिए इसका नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। फॉर्म का आवेदन कैसे करना है इसके लिए आपको जाना पड़ेगा नीचे, तो नीचे जाने पर आप इसका नोटिफिकेशन पढ़िए और उसके लिए लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लिक हियर को दबाकर आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसका आवेदन करना है तो अप्लाई ऑनलाइन के सामने दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके इसका आवेदन भी कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की जॉब अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।